बगदाद स्ट्रीट जा रहा हूँ यार, बगदाद इराक जा रहा हूँ। इराक अभी मैं हूँ शारजा और दुबई के बिल्कुल अपोजिट साइड में है शारजा, जो कि शारजा का सहारा मॉल है। और अभी मैं हूँ अलनादा में, अलनादा का डब्लू मार्च पिकअप किया था, बहुत घुमाया, लगभग लगभग आज आधा दुबई घुमा दिया मैंने तलाबाद से। बहुत बहुत थैंक यू तलाबाद वाले, तेल का धजिया उड़ गया। एक ऑर्डर ना मेरे से मिस हो गया था, तो मिस होने के कारण से मुझे इतना दूर भगा दिया। मैं मोटर सिटी में बैठा था और मुझे पिकअप डाल दिया रेम राम ये जेंट सुपर मार्केट है, और ये ऑर्डर मुझे लेके जाना है दुबई साउथ। एक ऑर्डर मिस हो गया था, वजह ये था कि यार मेरा फ़ोन ना, रात को मैं फ्लाइट मोड करके सो जाता हूँ और सुबह जब उठा तो साइलेंट पे रहता है मेरा फ़ोन, तो साइलेंट पे ही था मेरा फ़ोन, तो इसके कारण से मुझे पता ही नहीं चला। और आज मैंने ऑटोमेटिक में लगाना ही बंद कर दिया था, भूल गया था ऑटोमेटिक में लगाना। अगर ऑटोमेटिक में लगाया होता तो आज इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है। मैं बड़ी मुश्किल से परफॉर्मेंस बैच 2 पे आया था, अभी बैच 1 में आने वाला था, लेकिन एक ऑर्डर मिसिंग के कारण से बैच 3 कर दिया जाएगा। और देख रहे हो ना, एग्जांपल यही रहा है कि 20 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ मैं ऑर्डर छोड़ने के लिए, और वहाँ से वापस ही मुझे खाली आना पड़ेगा 20 किलोमीटर दूर। तो आज का दिनचर्या स्टार्ट हो गया। तो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी को मेरे ब्लॉग में मेड इन चाइना वाला फ़ोन से। मैं IMP जेट में बैठा था पेट्रोल पंप में, और मुझे दिया गया है एवरी डे कॉफ़ी, तलाबाद मार्ट जब से तलाबाद मार्ट के एवरी डे कॉफ़ी। और इसका कॉफ़ी ना काफ़ी दूर का था, एक बार तो मैं करामा लेके गया था, पता है दूर जाने का मकसद क्या है। यहाँ पे ज़्यादातर तो लोग फेक GPS वाला राइडर रहते हैं, तो फेक GPS वाला राइडर यहाँ पे पिकअप करना नहीं है, तो हम जैसे राइडरों को बगैर फेक GPS यूज़ करने वाला राइडर को यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हमें ऑर्डर मिलता नहीं है और बड़ी मुश्किल से एक ऑर्डर आता है तो हम लोग मिस नहीं करते। जैसे कि मैं ऑटो पे रखा था, ऑटो रेडी हो गया है। तो ये है तलाबाद मार्ट, यहाँ पे आके पेट्रोलियम पूरी सर्च करना चाहिए, सबके फ़ोन को इंक्वायरी करना चाहिए कि फ़ोन के अंदर क्या रखा है, क्या फेक GPS रखा है। देख रहे हो, ये भी मुझे पता है ये दूर का ही ऑर्डर हो सकता है, क्योंकि मैं वहाँ पे बैठा था, यहाँ पर ऑलरेडी मेरे साथ राइडर बैठा हुआ है, लोगों को ऑर्डर नहीं दिया, मुझे दिया गया है, ये पक्का दूर का ही होगा, दिया गया है यानी दिया होगा, बंदे लोग ने पिकअप नहीं किया होगा, एक्सेप्ट नहीं किया होगा, उसके बाद मुझे मिला ये ऑर्डर। पहले पिकअप कर, उसके बाद कन्फर्म करेंगे कि कहाँ का है। मैंने जैसा बोला था ऐसे ही हुआ, अंदर एक राइडर बैठा हुआ था, हंस रहा था कि पास का ही है, पास का ही है। ये जो मेरे पीछे आपको बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, बस वहीं पे लेके जाना है, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए ना कम से कम 15 किलोमीटर घूमना पड़ता है। ऐसे देखा जाए तो 1 किलोमीटर, लेकिन घूमना पड़ता है 15 किलोमीटर। पता नहीं यार, यहाँ के राइडर लोग को कैसे पता चल जाता कि ऑर्डर वहाँ पर जाएगा, मैं अजीब हो यार, सोचता हूँ मैं दंग हो जाता हूँ। देखो बस वो वाला साइड पे जाना, वो पीछे वाला साइड पे जाना, जो बिल्डिंगें दिख रहा है ना वहीं पे जाना है, 1 किलोमीटर है, लेकिन मुझे घूम के जाना पड़ेगा ऐसा स्ट्रीट के फ्लाई ओवर से, टोटल कुल मिला के 14 से लेकर 15 किलोमीटर। इसलिए मैं बोलता हूँ यार, कुछ ना कुछ तो लोचा है, पंगा है, पेट्रोलियम को खोजी नीति करना ज़रूरी यार, बस तंग ही करते हैं। 20 मिनट लग गया मुझे वो सामने वाला बिल्डिंग से आने में, यहाँ तक पहुँचने मुझे 20 मिनट लग गया। वजह ये है कि आज संडे है और मेरे बक्स में कॉफ़ी था, तो कॉफ़ी को मैं ज़्यादा स्पीड में लेकर नहीं आ सकता, क्योंकि जगह जगह पर ब्रेकर है और कॉफ़ी गिर गया तो फिर अपना ऐसी की तैसी वाट लग जाएगा, तो फिर मुझे धीरे धीरे आना पड़ा और आज संडे के कारण से 20 मिनट लगा। बाकी दिनों जैसे सोमवार मंगलवार अगर हुआ होता तो यहाँ पे पहुँचने में मुझे 35 से लेकर 40 मिनट लगता, क्योंकि मुझे पकड़ना होता है हेसा स्ट्रीट रोड जीबीटी आने के लिए, और एक और रास्ता था शॉर्टकट रास्ता, लेकिन उस रास्ते से हमें आ नहीं सकता क्योंकि कॉफ़ी है और आजकल ज़्यादातर फैन भी लग रहा है और वहाँ पे पुलिस भी खड़े होते हैं, तो इसलिए वो वाला रास्ता पकड़ा नहीं, सीधी रास्ता पकड़ गया 20 मिनट में यहाँ पे पहुँचा। और कस्टमर बहुत अच्छी कस्टमर थी, लड़की थी, पानी भी दिया पीने के लिए, तो ऐसे गर्मी के टाइम में पानी मिल जाता है तो अच्छा लगता है। यह है जुमेरा विलेज ट्रायंगल, जो कि यहाँ से सेटेलाइट से अगर देखा जाए तो बस 1 किलोमीटर है तलाबाद मार्ट, और हमें घूम के आना पड़ा 9, 10, 11, 12, 13 किलोमीटर। उसके बाद फिर अब मुझे भटकना होगा, फटकेंगे तभी तो ऑर्डर मिलेगा। तो यही है अपना दिनचर्या स्टार्ट हो गया भाई। बगदाद स्ट्रीट जा रहा हूँ यार, बगदाद इराक जा रहा हूँ। इराक अभी मैं हूँ शारजा और दुबई के बिल्कुल अपोजिट साइड में है शारजा, जो कि शारजा का सहारा मॉल है। और अभी मैं हूँ अलनादा में, अलनादा का डब्लू मार्च पिकअप किया था, बहुत घुमाया, लगभग लगभग आज आधा दुबई घुमा दिया मैंने तलाबाद से। बहुत बहुत थैंक यू तलाबाद वाले, तेल का धजिया उड़ गया। और ऑर्डर के साथ बोले तो ऑर्डर बिल्कुल 0, ना के बराबर, अब जाकर हुआ 14 ऑर्डर। सुबह 7:30 बजे लॉग इन किया था और ड्यूटी ख़त्म होने वाला है, अब 14 ऑर्डर हो गया। लेकिन अब लग रहा है कि जिस तरीके से अभी अलनादा वाला एरिया में काम करा रहे हैं ना, तो हो जाएगा 15, 16, 17 तक।
प्रोसेसिंग करते हैं। मेरे पास डब्लू मार्ट का ऑर्डर है, वो जो वन आइटम मिसिंग है। कर दे ड्यूटी ख़त्म यार, आज पौने 11 घंटे की ड्यूटी था, इसकी वजह से आज मैंने टोटल ही अलनादा और अल्खवानी और सिलिकॉन ओएसिस और अरजान और मोटर सिटी करके यानी आधा दुबई में घूम के आज 20 ऑर्डर मैंने कंप्लीट कर दिया। बहुत दिनों के बाद 20 ऑर्डर देखने को मिला है। और यहाँ से मेरा रूम है काफ़ी दूर यार, अलनादा यानी शारजा, तो ये रोड के उस तरफ है शारजा है और यहाँ पे जो खड़ा हुआ है दुबई है। अलनादा में काम करने में मज़ा आ गया, क्योंकि पहले जब मैं आता था ना अलनादा में, तो जब भी मैं यहाँ पे आता था खाली खाली मुझे वापस जाना पड़ता था। और आज ऑर्डर करवा दिया, कम से कम अलनादा में करीब करीब 7-8 ऑर्डर करवा दिया अलनादा में, बाकी का ऑर्डर सिलिकॉन ओएसिस और मोटर सिटी और अरजान में करवाया गया है। तो यहाँ से मेरा रूम होगा कम से कम 20 से लेकर 22 किलोमीटर तो रूम होगा, लेकिन अभी आज संडे है ना तो ट्रैफिक ज़्यादा दिखने को मिल रहा है, जाना पड़ेगा भाई, ट्रैफिक जैसे की तैसी अब निकलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जल्दी जाके वीडियो एडिटिंग भी करना है। ड्रोन उड़ा दिया, लेकिन क्या करें गर्म हो गया ड्रोन, ड्रोन गर्म होने के कारण से अटक रहा है धीरे 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 धीरे। ये रहा भाई एक्सपो सिटी एक्सपो विलेज, तो कैसा लगा यार मेरा ड्रोन, मेरा ड्रोन, चलो ठीक इधर लेके चलते हैं। ये रहा एक्सपो विलेज, चारों तरफ घुमाते हैं अपना ड्रोन को, मैं ड्रोन को घुमा रहा हूँ, एक पानी दे दो। चल भाई, ये कोई ड्रोन व्रोन नहीं है, अपना फ़ोन है, फ़ोन भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऊपर से खींच रहा हूँ। ये एक ज़बरदस्त बनाया गया है एक्सपो विलेज, तो ये एक्सपो विलेज है, एक्सपो विलेज।